अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे ट्विटर के बारे में। ट्विटर अक्सर लोग ट्विटर लगाते हैं तो यार कहते हैं यार ट्विटर ये ख़राब हो गया, जल जाते हैं, ट्विटर ख़राब हो जाते हैं। ट्विटर वो ख़राब क्यों होते हैं? क्योंकि ट्विटरों की भी क्वालिटी होती है, ठीक है। तो आइए नाज़रीन, ये मेरे पास सामने तकरीबन 5-6 किस्म के ट्विटर पड़े हुए हैं। यार इधर करो यार, ज़रा 5-6 किस्म के ट्विटर पड़े हुए हैं। ये सबसे ज़्यादा लोग लगाते हैं तो ये लगाते हैं, ये वाला ट्विटर। इसका नाम है KP102 मॉडल है, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्वालिटी है, जैसे कि एक मेरे पास ये भी है KP102, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये कॉपी है और ये है ओरिजिनल। अगर आपने इसका साउंड चेक करना हो तो आप एक कम से कम एक ओरिजिनल ले आएँ। ये 300 रुपये का मिलता है हाल रोड मार्केट से, ये 300 रुपये का मिलता है। और इसका बॉक्स है ये वाला, ये बॉक्स है 300 वाट का, KP102 ओरिजिनल है। और आप लगाते होंगे ये वाला, इसका डब्बा होता है ये वाला, ठीक है। ये आपको दोनों को दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें भी आपको ये फ़र्क महसूस हो रहा है। ये चेक करें ज़रा, इसकी जाली वगैरह और इसकी जो प्लास्टिक का जो है, इसका काफ़ी सारा फ़र्क है क्वालिटी का। तो इसमें क्वालिटी का, चलने का भी क्वालिटी का फ़र्क है, लिहाजा आप ये चेक करें। और ये ना ही ख़राब होता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है ये लाइट वाला ट्विटर। अक्सर लोग लाइट वाला ट्विटर बहुत पसंद करते हैं, तो ये भी तकरीबन अच्छा चलता है, ये भी बेहतरीन। और इसके बाद आ जाता है T4। ये तो इन सारों से भी यानी कि सबसे अच्छा ट्विटर है T4 ट्विटर। इसका बॉक्स होता है ये वाला, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका मॉडल है T4। आप ये ट्विटर लगाएं, इन सबसे ये बेहतरीन है, ठीक है। और इसके पीछे आपने जो माइलर लगाना है वो आपने लगाना है 105 आपने माइलर लगाना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये माइलर है, आपने 400 वोल्ट में लगाना है, आपने 250 वोल्ट में नहीं लगाना। 400 वोल्ट में आपने ये 105 माइलर लगाना है तो आपको इंशाल्लाह ये ट्विटर ख़राब नहीं होगा। और उसके बाद आ जाता है ये वाला, ये इससे भी अच्छा है। ये थोड़ा सा हाइस टाइप का बना हुआ है, जो बड़े स्पीकरों में हाइश लगती है, ये हाइश टाइप का बना हुआ है। ये भी बेहतरीन है, ये भी अच्छा है, ये इतना महंगा नहीं है, ये भी सिर्फ 500 रुपये का ट्विटर है। अगर किसी भाई को, दोस्त को चाहिए हो तो मुझे कमेंट करें, उसको ये ना डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास अवेलेबल है। और उसके बाद आ जाते हैं जापानी, जो जापानी ट्विटर होते हैं मैगनेट वाले, जो कभी भी नहीं ख़राब होते, पैनासोनिक के होते हैं, सोनी के होते हैं ओरिजिनल। ये सोनी का ट्विटर है और इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत ही फर्स्ट क्लास किस्म की होती है, ठीक है। और ये उससे भी बड़ा है, ये मिड टाइप है, ये इंडोनेशिया का है, ये चेक करें ज़रा, ये इंडोनेशिया का ओरिजिनल ट्विटर है, मिड टाइप, यानी कि ये आवाज़ भी साथ निकालता है और छनकार भी बनाता है। और इसके पीछे आपने कौन सा लगाना है? आपने यही लगाना है 105 आपने PF लगाना है, लेकिन आपने एक नहीं लगाना, आपने दो लगाने हैं, इसके ऊपर ही एक और लगाना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको भी बता देता हूं, जैसे कि ये है एक और ये है एक, दो हो गए, और दो हमने ऐसे लगा देने, ऐसे ऐसे लगाकर आपने मिड को लगाना है, ठीक है। तो आप वो खुद क्वालिटी चेक कर लेंगे कि आपको कैसे बेस्ट है। और ये सबसे बेस्ट है, ये इंडोनेशिया के ट्विटर है स्पेशल। ये किसी भाई को चाहिए हो तो वो भी मुझे कमेंट में बता दे, अपना नंबर दे दे, मुझसे रابطہ कर ले, तो आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी ना भी लगी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपको पार्ट्स दिखाए हैं, ठीक, कि कौन सा ट्विटर अच्छा है, कौन सा ट्विटर नहीं अच्छा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।